बाबा बिजलीदास सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्रांगण में अभी हम हैं। यहाँ पर आपको जो नज़ारा दिख रहा है कि यहाँ के गुरुजन और छात्र एवं छात्राओं के बीच में आज के दिन स्वामी विवेकानंद जी का जयंती धूमधाम से मनाया गया है। और इस जयंती से इन छात्र छात्राओं युवाओं को क्या सीख मिलती है, इनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम पढ़ाई आपको? दीपक कुमारी। जो आज मनाया गया है आपके विद्यालय में, इससे आपको क्या प्रेरणा, क्या सीख मिलती है, कुछ कहोगी? विवेकानंद जी क्या थे, कुछ बताओगी? अच्छा ठीक है, आपका क्या नाम पड़ा? अमृता राज। अमृता राज, क्या आपको क्या सीख मिलता है विवेकानंद जी? जी, हम विवेकानंद जयंती हम जब मनाए, जी जी जी, वहाँ पे बहुत सारे स्कूलों में होता है कि ये प्रतियोगिता नहीं मनाई जाती है, जी जी, ये कहीं जैसे विद्या मंदिर है ये यहाँ पे किया जाता है, जी और जी। इसे हम प्रेरित करते हैं कि और भी स्कूल में मनाया जाए, जी जी। और उन्होंने कहा था कि उठो जागो और चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। यानी कहने का अर्थ है, जब तक हम जिस भी लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, जब तक हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते, तब तक उसे हमें मतलब पाने की कोशिश करनी आपको चाहिए। क्या बनना है जीवन में? हमको डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है, हाँ। तो विवेकानंद जी के कहे अनुसार आप चल रही हैं क्या? जी हाँ। अब यहाँ पे जो छात्र हैं उनसे भी बात करते हैं, क्या करते हैं, क्या नाम पड़ा? सर्वेश कुमार झा जी। आज जो आपके विद्यालय में जयंती मनाई, उससे आपको क्या सीख मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है कि हम किसी भी क्षेत्र में किसी भी काम को करें तो पूरे लगन और हौसला के साथ करें, हम उसके बीच में कभी भी कतराए नहीं और पूरी हिम्मत के साथ उसका सामना करें। उन्होंने कहा था कि उठो जागो और चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। क्या लक्ष्य है आपकी? मेरा लक्ष्य IAS बनना। IAS बनना, IAS बन के क्या कीजिएगा? देश का सेवा करूंगा, प्रजा जनता का। जैसे कि विवेकानंद जी ने तो अपना जीवन पूरे भारत की सेवा के लिए और विश्व में भी जाकर भारत का डंका बजाया, जी जी। तो उस क्षेत्र में आपका क्या कहना है? जी, मैं भी ऐसा ही करूंगा उनके जीवन की तरफ। इनका भी कहना वही है कि भी वैसा ही करेंगे। अभी यहाँ पर भी छोटे छोटे हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ जी आपका? मारियास। यस सर, आपको क्या शिक्षा मिलती है विवेकानंद जी के? उनके जीवन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी काम करना चाहिए और जीवन को साफ करना चाहिए, और हमें वे हमें यही शिक्षा देते हैं कि हमें कोई भी काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए और जो काम करना चाहिए वो डट कर करना चाहिए। डट के करना चाहिए। क्या करने की इच्छा है आपकी पढ़ाई करने के बाद? डीएम बनने की। डीएम बनकर क्या कीजिएगा? जी, देश की सेवा करूंगा। देश की सेवा कीजिएगा विवेकानंद जी की तरह। चलिए, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर भी है, इनसे क्या नाम पड़ा आपका? विवेक कुमार। विवेक कुमार नाम। आपकी क्या इच्छा है? मेरी इच्छा इंजीनियर बनना है। इंजीनियर बनना है। इंजीनियर बनकर क्या करना है? अपने देश जो आजकल कुछ पीछे चला जा रहा है अन्य देशों से, उसी को बराबर करना है। उसको बराबर करना है, विवेकानंद जी की तरह लक्ष्य आपकी है। जी जी जी। और यहाँ के प्रधानाचार्य भी इस अभी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। उस सर क्या करते हैं? क्या नाम पड़ा सर आपका? हरिकिशोर सिंह। जी सर, आप यहाँ के प्रधानाचार्य हैं। जी जी सर, जो आज जयंती मनाई गई है विद्यालय में, सर आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं सर? आज के परिवेश में एक विवेकानंद ने पूरे विश्व में डंका बजाया था, तो हम सब शिक्षकगण ये चाहते हैं कि इतने अधिक विवेकानंद हम पैदा कर दें कि विश्व के मानस पटल पर केवल भारत ही दिखाई दे और विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित हो। उस उद्देश्य से हम लोगों ने अपने बच्चों का एक योगदायक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और उन्होंने छुआछूत भेदभाव या किसी भी क्षेत्र में वो डंका बजाया था, यहाँ तक कि वो शिकांगो सब धर्म सम्मेलन में भी उन्होंने जो शून्य पर अपना वक्तव्य दिया या भाई बहनों का शब्द का प्रयोग किया, तो उस समय पूरे विश्व में भारत की डंका बजी थी। तो हमारे भी नौनिहाल हैं जो विभिन्न जैसे DM, IAS, डॉक्टर, इंजीनियर आदि बनने की बात किए हैं, तो हमको लगता है कि ये सारे भैया बहन भविष्य में ये एक योग नायक बनती हुए भी अपने देश में जो विकृतियां आई हैं, जो नैतिक पतन हुआ है, उसका उत्थान कर सके। और विभिन्न जातियों में ये धर्म समुदाय बटा हुआ है,
यह सब एक रास्ते पर एक पैटर्न पर ला सके ताकि भारत की डंका पूरे विश्व में चमकता रहे। तो इनका भी कहना है कि पूरे भारत में विश्व की डंका बजे और एक नहीं अब हम हजार विवेकानंद को पैदा करें और भारत माता की जो शान शौकत है उसमें वृद्धि हो। आप इधर भी देख सकते हैं कि विवेकानंद जी की तस्वीरें भी लगाई गई हैं और यहाँ पे छात्र भी हैं और इनको संबोधित भी आज किया गया है और भी यहाँ के भैया बहन भी हैं देख सकते हैं और भी गुरु जी से मिलते हैं। क्या करते हैं, क्या नाम पड़ा आपका? विनीत कुमार चतुर्वेदी जी। सर क्या कहना चाहते हैं आज जयंती समारोह के उपलक्ष्य में? विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डालते हैं हम लोग जी जी और उनकी दी हुई शिक्षाएँ जो विश्व के इस मानस पटल पर उद्धृत हैं हम भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, साथ साथ उसका लाभ इन भैया बहनों के जीवन में हम लोग भी डालते हैं ताकि इस सनातन धर्म का जो पतन कुछ दशक में हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति हो सके और भारत जो है पुनः एक विश्व गुरु के रूप में पदस्थापित हो सके। अच्छा, आपकी इच्छा विश्व भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना, अपने पुराने ऊंचाइयों को ये हासिल करे। तो इस पुराने ऊंचाइयों को हासिल करने में अपने देश के महापुरुषों का जो योगदान रहा है, जो पाश्चात्य की संस्कृति ने इसका लोप किया था उसको हम लोग पुनः जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं और हमारा प्रयास सफल होगा भी ऐसा विश्वास है। इनका यह विश्वास है कि भारत को फिर से हम विश्व गुरु के पद पर स्थापित करेंगे। इसी के साथ कैमरामैन नवनीत के साथ मैं आदित्य कुमार दुबे जी सी फोकस।